नमस्कार दोस्तों, आओ चले चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं फटाफट से बनने वाला एक नाश्ता। तो उसके लिए मैंने लिया है ये आलू, जो कि मैंने सब्जी में से लिया है उबला हुआ, एक हरी मिर्च, ये भुना जीरा और काले मिर्च का पाउडर है जो थोड़ा सा लिया है, थोड़ा सा स्वादानुसार नमक और धनिया का पाउडर, और साथ में लिए मैंने दो रोटियां। अब इन रोटियों को हम दो दो भाग में काट लेंगे। तो रोटियों को हमने दो पोर्शन में काट लिया है, एक एक रोटी के दो दो भाग हो गए हैं। और आलू में अब हम सारा मसाला मिक्स कर लेंगे। देखिए ये आलू है, आलू के साथ ये जितनी भी चीजें हमने रखी थी ये सभी चीजें हमने मिक्स कर लेंगे। ये हमने सभी चीजें मिक्स कर ली है। अब इस मिश्रण को हम अपने रोटी के एक भाग पे लगाएंगे, ये रोटी के हाफ हिस्से पे हम ये मसाला लगा देंगे। ये हमने सभी पोर्शन पे ये हमने मसाला लगा दिया है आलू का, चारों पीसों पे जितने भी पीस हमने लिए थे रोटी के। ये देखिए अब इनको हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सभी को मोड़कर हम इन्हें सेकेंगे। हमने इन्हें तवे पर रख दिया है और हम इसे सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा सा हर एक पे लगा देंगे, ठीक है। दोनों साइड पर लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी लगा देंगे। और इन सभी को हम फिर से पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो देखिए ये हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं, रोटी के कटलेट्स तैयार हैं। तो बस इन्हें निकाल कर सर्व करेंगे। तो देखिए हमारे फटाफट से बन गए ये रोटी के स्नैक्स। इन्हें आप चाहे चटनी के साथ खाइए या वैसे भी खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये फटाफट से बन के तैयार। तो जब भी लगे भूख फटाफट से बनाइए ये रोटी के कटलेट मजेदार से। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।